हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 250 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे, 28,000। पिछले 24 घंटे में 1,600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, 28,000 से 1,600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई, उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलके मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलके मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सबने मिलके, इसमें सबका सहयोग मिला, दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सबने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलके निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई कई दिनों से घर नहीं गए हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूं। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज किसी ना किसी के घर जाता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूं और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूं। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी 1,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो जो कुछ हमने पिछले एक महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे, अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा, तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे 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 कुछ 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 गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है।
कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए, अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए, अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से, कंपनियों से भी सबसे, मैं खुद बात कर रहा हूं, जितनी विदेशी कंपनियां हों चाहे भारत की कंपनियां हों, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं, कितने बेड जरूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की जरूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की जरूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की जरूरत है, ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख शांति और स्वस्थ रहें।